पांचों केदार और बद्रीनाथ जी इसने अकेले यात्रा की और गंगोत्री यमुनोत्री फिर कोई साधन से गया। कल पूरी रात भर पौड़ी के अंदर रुके रहे और आज पौड़ी से आगे बढ़ना है, यानी कि थलीसेन की तरफ जाना है। पौड़ी भी काफी बड़ी मार्केट है, तो यहीं पे बस अड्डा है। अगर जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये बस अड्डा है ना, यहाँ से टैक्सी या बस मिलेगी। बस तो आजकल चल नहीं रही है, आजकल सभी बसें ना यात्राओं पे चल रही है, इस वजह से बस नहीं मिल रही है यहाँ से थलीसेन के लिए। तो या तो टैक्सी में जाना पड़ेगा देखते हैं, या तो आधे आधे तक जाना पड़ेगा। पौड़ी से थलीसेन के लिए बस नहीं थी, तो मैंने पौड़ी से सीधा सतपुली के लिए बस पकड़ी। अभी हूँ मैं सतपुली मार्केट में, अब यहाँ से ना आगे के लिए देखते हैं। अब यहाँ से मुझे बैजरू जाना है, अब थलीसेन जाने की जरूरत नहीं है मुझे। सतपुली मार्केट भी पूरी भरी पड़ी है ना जाम से। अगर जो आप यहाँ से ना सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे, ये रोड जाती है ऊपर वाली कोटद्वार, जिधर को बस लगी है, और वही अगर जो आप नीचे को चले जाएंगे, इधर से मैं आ रहा हूँ पौड़ी, ये नीचे वाली रोड पौड़ी के लिए जा रही है ना। पौड़ी के लिए भी यही वाला रास्ता जाता है और बैजरू के लिए भी यही वाला रास्ता जाता है। चलिए अब हम भी पता करते हैं, कोई गाड़ी जाएगी तो बढ़िया है, कोई गाड़ी ना जाए तो किसी भी बस को पकड़ लेंगे। और जाम भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लगा है ना, तो किसी ने थोड़ा गाड़ी आड़ी तिरछी लगाई तो तुरंत जाम लग जाता है। अभी टाइम हो रहा है 10 और यहाँ से बस जाती है 1 बजे के करीब में। देखते हैं अभी क्या प्लान होने वाला है, कोई टैक्सी मिल जाए तो उसी में आगे बढ़ जाएंगे ना। अभी के टाइम पे हम पहुँच चुके हैं संगलाकोटी मार्केट, तो काफ़ी बड़ी है ये भी। और संगलाकोटी में इस साइड में थोड़ा जगह नहीं मिली, तो यहाँ से ऊपर ही जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं बिल्कुल इन्हीं की तरह जा रहे हैं हम भी छतों में ही। इस साइड में भी काफ़ी गर्मी है पर ऊपर थोड़ा ठीक है, हवा चल रही है। अभी के टाइम पे हम पहुंचने वाले हैं फरसाड़ी। कुछ टाइम पहले ना यहाँ पे बादल फटा था, तो वो जो जगह देख रहे होंगे वो जगह एक्चुअल में यही है, इस वाली पहाड़ी में ही बादल फटा था। तो नीचे फरसाड़ी है एक, ये जगह फरसाड़ी में ज्यादा नुकसान हुआ था। एक इसके पीछे है जगह सुकई, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। दीवा माता मंदिर के लिए यहीं से ही जाते हैं, ये वाला जो गेट है ना ये रास्ता दीवा माता मंदिर वाला ही है। अगर जो आपको भी दीवा माता मंदिर जाना है, ये अपने साइड का एरिया है, ये है फरसाड़ी मार्केट, तो यहीं पे से रास्ता कट रहा है जहाँ पे से दिखाया होगा ट्रैक्टर ऊपर जा रहा है, यहीं पे गेट है दीवा मंदिर जाने का, रसलन दीवा कहते हैं ऊपर। जो बादल फटने की खबर आई थी वो इसी जगह की थी, एक फरसाड़ी की थी और एक कौन सी थी, कुंजेली गांव। तो फरसाड़ी में यहाँ पे देखिए एक जगह नहीं, ये कई जगह 1 किलोमीटर के दायरे में हुआ है, जहाँ जहाँ से ऐसे नदियाँ रौले जाते हैं ना, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी मिट्टी ना ऊपर से बहती हुई आई है। जब यहाँ पे पानी आया होगा ना बहुत तेजी से, तो अपने साथ कितना सारा कितने बड़े बड़े पत्थर कंक्रीट मिट्टी सब लेके आया है नीचे की तरफ। इस जगह को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ होगा, मतलब उस टाइम पे जब बादल फटा होगा कितना पानी ऊपर से आया होगा और कितना मलबा ये देखिए नीचे की तरफ है। और हम भी ऊपर बैठे हैं, हालत थोड़ा खराब सी है ना कच्ची रोडों में, तो देख रहे होंगे कितना ज्यादा मलबा आया है ना यहाँ पे, रोड भी तहस नहस हो चुकी है। सतपुली से बैजरू पहुंचने में मुझे टाइम 2 बज चुके हैं और यहाँ से अब ये वाली टैक्सी जा रही है, इसमें चलेंगे ना हम ऊपर की तरफ। सतपुली से 1 बजे की बस थी और अभी टाइम हो रहा है 2:30 और मैं पहुंच चुका हूँ जोगीमढ़ी मार्केट में, यानी कि अपनी मार्केट में। और अब एक अलग ही खुशी हो रही है, पर यहाँ पे भी थोड़ा धूप वगैरह बढ़िया खिल रखी है, अच्छी आ रही है ना धूप वगैरह, थोड़ा गर्मी सी हल्की, पर क्या ही बताएं, मतलब एक अलग ही खुशी हो रही है ना अपने एरिया में पहुँच गया मैं, इतने दिनों बाद आया, अब क्या बताएं आपको। तो चलिए अभी हम इस साइड चल रहे हैं, वाह नीचे अपना गांव अच्छा लगा ना आज, दिल खुश हो गया। तो चलिए अभी चलते हैं, अपना खाना पीना लंच वगैरह सब हो गया था, तो आज हम यहीं पे रहेंगे और कल जाएंगे यहाँ से नीचे ना, आज भी गांव नहीं जाना है मुझे, गांव जाऊंगा मैं यहाँ से कल। तो यहाँ पे सही तो पहुँच गया मैं 3 बजे के हिसाब से, 3 से पहले ही पहुँच गया, टैक्सी मिल गई, इतना बढ़िया हो गया। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, जोगीमढ़ी में हो रही है भागवत और अब हम भी ना वहीं चलते हैं। ये वैसे तो यूट्यूबर है किंतु मेरा मन था कि इसका हृदय से सम्मान करूंगा। पूछे क्यों? पूछो, ये बालक ना अभी 40 दिन की यात्रा करके आया है, पंच केदार और बद्रीनाथ की इसने पैदल यात्रा की, पांचों केदार और बद्रीनाथ की इसने अकेले यात्रा की और गंगोत्री यमुनोत्री फिर कोई साधन से गया। कल रात को ही बात हुई, मैंने पहले भी कहा था बेटा कथा तक पहुंचना है, और देखिए आज भगवान राम के चरणों में आए भी तो कहां यात्रा करके। एक बार इस बालक के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे भक्तों की आवश्यकता है बंधु,
ऐसे भक्तों की समाज को आवश्यकता है। देखिए, चाहे बहाना कुछ भी बनाओ, लेकिन भगवान ने बोला कि आ मेरे दर्शन कर और अपने जीवन को धन्य कर। कैसे धन्य होंगे वो माता पिता जिनका पुत्र जो है, और हम क्या करने जाते हैं, गाड़ी में शराब की बोतल रख के और चलो तीर्थ यात्रा के लिए। होता कि नहीं होता? वहां जाके मांस खोजते हैं कि हमें खाने के लिए मिलेगा। सीखिए एक बार, अब जाके जोरदार तालियां बजाओ श्री रामचंद्र भगवान की। आइए, इससे पहले कि हनुमान जी समुद्र में उड़े हैं, मैं थोड़ी देर के लिए माइक जो है, जिया जी भी गाँव आ चुके हैं, उधर गुल्लू भी आ चुका है। हाँ, इधर आइयो। ये कितना खूबसूरत है, अरे खतरनाक है ये दोस्त, है ना, इसको मजा आ गई है। सो गया था, रेलवे का सनी आ गया, बहुत जोर से करने लगे जोर से, सो आदमी भी जग गया एकदम से। तो अभी ये जाने वाले घर, और मैं यहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा फिर कल जाऊंगा ना, मैं आज नहीं जाना मुझे। तो हमें तो सनी को मिलने आ गए थे क्योंकि वहाँ पे कथा सुन रहे थे, तो हमने कहा डिस्टर्ब नहीं करना ज्यादा, तो यहाँ पे हम सब बैठने के लिए मिलने के लिए आ गए सनी को। आज यहीं रहेगा ना व्यास जी के साथ, तो कल सम्मान के साथ लेके जाएंगे पापा को। सरप्राइज रखा है सनी को, भी नहीं मालूम। धारी देवी माता के दर्शन करने के बाद कल मैं आया जोगीमढ़ी में, जोगीमढ़ी में ही रहा, वहाँ से घर नहीं गया। और आज मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने जो महादेव का मंदिर है, भगवान शिव का, शंकर का मंदिर है, लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर, वहाँ से स्नान करने के बाद फिर तब जाऊंगा मैं घर, तभी मेरी यात्रा सफल मानी जाएगी। सामने अगर जो आप देखेंगे यहाँ पे है ये हमारा गांव, और अपने गांव नहीं जा रहा मैं, कल से गांव नहीं गया, जोगीमढ़ी रह गया ऊपर, तो वहाँ रहा था मैं। और ये हमारा गाँव, मैं जाऊँगा अभी बैड़ा गाँव होते हुए लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर, जो सामने आप देख रहे होंगे। पंच केदार दर्शन करके आए हैं, तो हम महादेव के भी दर्शन यहाँ पे करना जरूरी है ना, तो चलिए बैड़ा गांव होते हुए सीधा महादेव के मंदिर में चलते हैं दर्शन करने। अभी पहुँच चुके हैं हम बैड़ा गांव में, और बैड़ा गांव में भी यहाँ पे पुजाई चल रही है, हम भी पुजाई देखने के बाद फिर महादेव भगवान के दर्शन करने जाएंगे नीचे। अभी बैड़ा गांव में पहुंचे और दादा दादी से मिले, और दादा दादी भी वीडियो देखते हैं, उन्होंने पूरी यात्रा की वीडियो देखी, और दादी कह रही है अच्छे लगा, वीडियो अच्छी लगी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। हाँ, और अभी हम फिर ज्यादा यात्रा की पूछो मत, ऐसा लगा कि आप भी कर रहे हो यात्रा, मैंने समझा मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने भी सपोर्ट किया, एक हिसाब से वो भी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं अगर जो हम यात्रा करते हैं और आप भी घर बैठे भगवान का नाम लेते हो, तो एक मतलब यात्रा ही होगी, भगवान को आप याद कर रहे हो। तो चलिए अभी हम भी नीचे चलेंगे महादेव के मंदिर में दर्शन करने, और आप लोग आओगे? अच्छा, हाँ, यहाँ पे भी पूजा हो रही है, गांव में भी बद्रीनाथ का मंदिर है, यहाँ पे भी पूजा चलती है, तो अभी हम भी पूजा में चलते हैं। बैड़ा गांव के बीचों बीच में बद्रीनाथ भगवान जी का मंदिर है, और यहाँ पे भी पूजा चल रही है, ढोल ढमाऊ बज रहे हैं, बैड़ा गांव के सभी लोग आजकल गांव में आ रखे हैं, तो गांव में खूब चहल पहल है। अभी बैड़ा गांव से निकल चुके हैं लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर के लिए, बैड़ा गांव में भी पूजा ही है, सभी लोग स्नान करने जा रहे हैं वहाँ पे नदी में, यहाँ से नीचे, और यहाँ जिया जी भी आ रखे हैं, आजकल गांव आ रखे हैं, तो कैसा लग रहा है जिया जी? एकदम फर्स्ट क्लास। और छुट्टियाँ पड़ गई आजकल गर्मियों के टाइम पे, तो सभी लोग आ रखे हैं ना, गुल्लू भी आ रखा है, जिया जी भी हैं। अभी हम जाएंगे नीचे, मैं घर तभी जाऊंगा, पहले यहाँ से स्नान करके जाऊंगा लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे हमारी ये एक तरीके से आप त्रिवेणी भी कह सकते हो इस जगह को, तो वहीं पे चलते हैं। और सभी लोग आ रहे हैं पीछे से, गांव के भी हैं, बैड़ा गांव के, तो ढोल ढमोक भी आ रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, दिखाते हैं अभी आपको नीचे चल के। बैड़ा गांव के सभी लोग त्रिवेणी की तरफ जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और काफ़ी भीड़ है, एक झंडा आगे से जा रहा है, दूसरा झंडा ऊपर की तरफ है। लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं, और आजकल नदियों का पानी ना बहुत ज्यादा कम हो चुका है, तो बारिश वगैरह हो नहीं रही है पहाड़ों में सही से, यहाँ पे एक स्नान करने के लिए नदी बना रहे हैं, और ये जो जगह है यहाँ पे दो नदियों का संगम है, तो यहाँ पे कहते थे कि पहले दूध की धार निकलती थी इस जगह में, और तब जाके उसके बाद यहाँ पे इस जगह में शमशान घाट बना, तो ये त्रिवेणी हो गई, इस जगह को त्रिवेणी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सफाई चल रही है, थोड़ा डंडी बना रहे हैं ना, नदी बना रहे हैं थोड़ा हल्का स्नान करने के लिए, बाकी ऊपर में भी एक है बढ़िया सी, हाँ, पांच छह आदमी पहले ही आ गए थे यहाँ पे नदी बनाने के लिए, और अभी सभी गांव के लोग पहुंचने वाले, बस थोड़ा लंबी लाइन है इस वजह से
पहाड़ों में चलने में ना क्या होता है कि दिक्कत होती है, बहुत लंबी कतार में। हाँ, और बाकी हमारे यहाँ पे जगरी जी भी पहुँच चुके हैं, बबलू भाई जो हमारे जगरी है, और साथ में पंडित जी भी आ चुके हैं। बद्रीनाथ भगवान की जय करो वीर बजरंगी। गांव के सभी लोग त्रिवेणी में आए हैं, यहाँ पे होगा देव स्नान, उसके बाद सब यहाँ से महादेव के मंदिर में दर्शन करते हुए फिर जाएंगे गांव में। यहाँ से स्नान करने के बाद जाएंगे हम दर्शन करने, हर हर महादेव। स्नान भी हो चुका है, दर्शन भी हो गए, दर्शन करने के बाद सभी भक्त ना अभी ऊपर की तरफ चले गए हैं बैठा के, तो वहाँ पे देख रहे होंगे एक झंडा सा जा रहा है, सभी निकल चुके ऊपर की तरफ। बढ़िया से दर्शन हो गए आज, और आज काफ़ी अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं हम सीधा यहाँ से बैठा गाँव, बैठा गाँव से अपने गाँव। हाँ, अब मैं घर जा सकता हूँ। कल से मैं इसीलिए घर नहीं गया क्योंकि ना मैं यहाँ पे स्नान करने नहीं आया था, भगवान के दर्शन करने नहीं आया था। अपनी यात्रा ही तभी सफल मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे आना जरूरी था ना, लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर में। तो अच्छा लगा आज, मौसम भी थोड़ा चेंज हो चुका है, अब बारिश आने वाला हो गया है, लगता है बारिश आएगी, और बारिश आ जाए और चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब थोड़ा हमने ऊपर चढ़ना है ना, वो ऊपर है अपना गाँव, तो उधर चढ़ना है हमने चढ़ाई में, और बारिश होनी भी जरूरी है। स्नान करके ऊपर आए हैं बैड़ा गांव में, और यहाँ पे बन रहा है खाना सभी गाँव वालों के लिए, दोपहर का लंच सबके लिए यहीं पे बन रहा है, और ये काम स्पेशल गिने चुने आदमियों को दिया जाता है, जो पंडित लोग होते हैं उन्हीं को ये काम दिया जाता है। चूल्हे में ना बाकी बाहर का कोई नहीं आ सकता, जो खाना बना रहे हैं वही चूल्हे तक जा सकते हैं, उनके अलावा आप कोई चूल्हे में नहीं जाएगा जब खाना बांटना शुरू करेंगे, तो वही लोग खाना बनाते हैं, और इधर चप्पल लेके भी नहीं आते। और चाचा को आप जानते होंगे, नमस्ते दिकारा। तो चाचा बना रहे, क्या क्या बना रहे दोपहर में लंच आज? दोपहर में दाल चावल। अच्छा, और ये शाम के लिए कोफ्ते। अच्छा, शाम का भी है? शाम का भी है, पकौड़ी भी है स्नैक्स में। अच्छा, कीर्तन मंडली के लिए सभी गांव वालों का लंच यहीं पे बन रहा है, और ये है मेन दाल चावल, तो इसमें बन रहा है आपका। कितने आदमियों का खाना बना रहे हो भाई जी? 200-250 आदमियों का खाना बन रहा है, और रमेश भाई जी को तो सब जानते होंगे, यहाँ पे लाइट सही से नहीं आ रही है। आया, और मामा जी को भी आप जानते होंगे, नमस्ते मामा जी। नमस्ते, ठीक है तू? हाँ, कब आया? मैं आया वैसे कल आया, आज यहाँ पहले नहाने गया नीचे। ठीक है, अभी कमरे में बैठे हैं, बाहर काफी ज्यादा धूप हो रही है ना, गर्मी यहाँ पे भी है, मजी आ गई ना। आराम से बैठे जी, आजी भी ठीक है, यहाँ पे पंखों की वजह से ना थोड़ा ठंडक है ना, तो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। लंच करने के बाद आज कहीं गई नहीं, अभी हम बैड़ा गांव में ही है, और यहाँ से ना चाय पानी पीने के बाद ही ऊपर जाएंगे अपने गांव की तरफ, और यहाँ पे चाय वगैरह बन रही है, और हमारे यहाँ पे घपनी भाई को देखिए आप, यहाँ देखिए तमाकू भर रहा है यार, थोड़ा शर्म कर भाई, यहाँ पे इतने बड़े बड़े बैठे तेरे सामने। अच्छा, ये सेवा पानी कर रहा है ये बड़ों की, तो सभी के लिए शाम की गर्मा गर्म चाय बन रही है। चाय पीने के बाद हम भी ऊपर जाएंगे गाँव की तरफ, हम भी यही है, और बाकी जो किचन में लगे हैं भैजी लोग, वो लगे हैं यहाँ पे भी ना, चाय पकौड़ी। अच्छा वाह, गजब। फिर रात को आएंगे दोबारा? रात को भी होने वाला है धूमधाम स्पेशल। पूरे दिन भर बैड़ा गांव में बैठे रहे, अभी पहुंच चुके हैं हम अपने गांव में, और इतने दिनों के बाद आ रहा हूं, अब अलग ही खुशी हो रही है ना, अपने गांव में आके पहुंच के दिल खुश हो गया, और सभी लोग गए हैं काम काज पे, यानी कि काम काज तो नहीं बोलेंगे, सब गए हैं भागवत में। यहाँ देखिए चेयर लगी है, भागवत हो रही है जोगीमढ़ी में, तो इस वजह से ना सभी लोग भागवत सुनने गए हैं, और सभी आज आ रहे हैं, आज भागवत का आखिरी दिन है, और अभी हम भी पहुंच चुके हैं, और इधर दादा वॉक कर रहे हैं। नमस्ते दादा जी। हाँ जी, ठीक ठाक। हाँ जी, सब बढ़िया। तो दादा भी आजकल गांव आ रखे हैं। अरे यार, परेशान नहीं है। क्यों? गर्मी? गर्मी तो है, खैर गर्मी में कोई बात नहीं, चलना फिरना मुश्किल होता है। अच्छा, गांव में पहुंचा हूं, और यहां पे काफी लोगों से मिल चुका हूं, सभी लोगों से तो नहीं मिला। आज 10वें दिन में भागवत पूर्ण हो चुकी है, और ब्याज जी की विदाई के लिए सभी लोग गांव वाले गांव तक आए हैं, ब्याज जी को साथ में ढोल ढमो बाजों के लेके साथ, और सभी के लिए यहां पे गर्मा गर्म स्नैक्स वगैरह बन रहे हैं। तो यहां पे बुआड़ा जी हैं,
बच्चों को कह रहे हैं किचन में नहीं आना। और ब्याज जी हमारे श्री अरुज लखेड़ा चाचा जी शाम के टाइम से आराम से यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोग, दादी भी बैठी है आराम से। सुबह के टाइम, शाम के टाइम यहाँ पे गांव में काफी बढ़िया मौसम हो रखा है। हाँ, ठंडा है यहाँ पे, ठंड हो रखी है। हाँ, मतलब ठंडा है। और ये है मेरा भांजा छोटा, ये वाला आ गया जा, इसको आपने पहले भी देखा होगा ना, बड़ा खतरनाक है ये। है क्या डांस में खतरनाक? अच्छा, डांस में खतरनाक है। हाँ। ये तो ये डांस में खतरनाक है। इधर डांस करियो जरा। हाँ, और यहाँ पे बाहर ना खाली रोटियां बन रही है, सब्जी अंदर चूल्हे में बन रही है हमारी। और गांव में सभी लोगों से मिला धीरे धीरे करके, गांव वालों के साथ, लोगों के साथ वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो इतने दिन बाद मिल रहे, वो रोने लग गए कि ये कहाँ कहाँ पता नहीं कैसी कैसी जगह जा रहा था, आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है, वो रोने लग गए थे दादी। बहुत सब लोग थे ना, उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, उनको देख के मुझे भी रोना आ रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई किसी के साथ। हेलो। और अभी बैठे यहाँ पे तो रोटियां बन रही है, तो ये पुराना है ना, ये हम कहीं भी ले जा सकते हैं और ढका भी सकते हैं आराम से। तो क्या, तो आज पहली बार देख रही है चूल्हे का। किसके जी जी? ये देखिए कार्टून है ना, ये खतरनाक है, ये छोटा वाला। खाना पीना भी एकदम मस्त बढ़िया से अपना हो चुका है, तो अभी मैंने बाहर बिस्तर लगाया, मुझे देखते ही चाचा ने भी बाहर बिस्तर लगा लिया। ऐसा नहीं है कि बाहर गर्मी हो रही है, अपने कमरे जो है वो थोड़ा छोटे छोटे से हैं और आजकल चहल पहल गांव में भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो जगह नहीं है अपनी, तो हम सोते हैं बाहर में। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को एंड भी करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी को नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।